गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा आज हम करेंगे अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 4। मैंने आपको एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट करा दी है। एक्सरसाइज 3 में हमने क्या किया था कि हमने समझा था इसमें 4 डिजिट नंबर, जो 4 डिजिट नंबर थे उनके हमने एडिशन करना सीखा है, मतलब प्लस किए थे आपने एडिशन, वो 4 डिजिट नंबर थे। उसकी 3.2 में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी की, और आज है आपके पास एक्सरसाइज 4 जिसमें एडिशन है 5 डिजिट नंबर, मीन्स 5 डिजिट के आपके एडिशन है जो कि हम करेंगे। तो फर्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 4.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, मीन्स आपको इन सभी को ऐड करना है। तो ऐड द फॉलोइंग, सभी को आपको ऐड करना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 डिजिट हो गए बेटा, तो 10,000 हो गया, 10,000, 1,000, 100, 10, 1, 5 डिजिट हो गए ना। अभी हमने जो एक्सरसाइज 3 थी उसमें 4 डिजिट नंबर के एडिशन सीखे थे, इसमें बेटा हमको 5 के दिए गए हैं। तो है आपका 1, 2, 0, 4 एंड 2, फिर है आपका 5, 7, 9, 0, 1। अब आप यहाँ देखेंगे ये आपको कैरी वाले एडिशन नहीं हैं, ये अभी आपको बिल्कुल सिंपल वाले एडिशन जो है वो दिए गए हैं आपके रिवीजन के तौर पर। सेकंड है आपका फिर वही रहेगा 10,000, 1,000, 100, 10 एंड 1, तो 5, 1, 3, 4 एंड 2 एंड 2, 4, 1, 2, 3। तो देखते हैं पहले 2 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं बेटा, फिर आगे करेंगे। तो इससे पहले वाली हमारी जो एक्सरसाइज 3 थी बेटा, उसमें आप कैरी वाले एडिशन कर चुके हैं, कैरी वाले एडिशन जो है मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो ये तो कैरी वाले हैं ही नहीं, ये सिंपल वाले एडिशन हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी होंगे, इन्हें मैं जानती हूँ आप आसानी से कर सकते हैं। ये सभी को आते हैं है ना, सभी को आते हैं ना, तो सभी कर सकते हैं। 5 और 1 सभी जानते हैं कितना होता है बेटा, 6, 2 और 7, 7 में 2 प्लस करेंगे 8, 9। किसी भी नंबर में 0 प्लस करने पर वही नंबर आता है, 0 का मीन्स कुछ भी नहीं होता है, तो 9 का 9। इसी तरीके से 4 का 4 एंड 2 और 1 3। क्लियर, इजी है ना, कुछ नहीं है, पहले इनको फर्स्ट क्लास में हम सीख लेते हैं है ना। अब तो आप 4 में आ गए हैं। 5 और 2 होता है बेटा 7, 4 और 1 होता है 5, 3 और 1 होता है 4, 4 और 2 होता है बेटा 6 और 2 और 3 होता है आपका 5। क्लियर, इजी है ना। मैं जानती हूँ आप लोग सभी सोचेंगे कि मैडम हमें ये क्यों करा रही हैं, एक्सरसाइज 3 में तो उन्होंने हमको एडिशन कराए थे 4 नंबर्स के और वो भी थे कैरी वाले, और अब जब एक्सरसाइज 4.1 आई है तो उसमें तो बिना कैरी के हम एडिशन कर रहे हैं। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज में है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो हमको जो दिया जाएगा उसमें हमको वो पढ़ना रहेगा, लेकिन आपकी जो 4.1 है वो पूरी ही आपकी क्या है, पूरी एक्सरसाइज आपकी इसमें जो दी गई है इसमें आपका कोई भी कैरी वाला एडिशन नहीं है, सभी सिंपल एडिशन है। तो आप क्या करें, इस पूरी एक्सरसाइज को बुक पर फिल करें, बुक पर ही पेंसिल से आप इसको फिल कर लें, और उसके बाद मुझे इसका पिक लेकर के सेंड करना होमवर्क में। क्लियर, जब आप होमवर्क करेंगे तो यही रहेगा, बुक का फिल कीजिए पेंसिल से, उसका पिक लीजिए और मुझे जो है सेंड करें। इनको पढ़ते हैं 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 में अगर आप 5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 6, 7, 8। किसी भी नंबर में मैंने आपको समझाया 0 प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता, मीन्स कुछ भी नहीं। 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 6 का 6, 4 और 2 6। नेक्स्ट देखिए 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 7, 5 और 2 7। क्लियर, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो मैंने आज आपको बताई है, इसमें कुछ नहीं है बेटा, ये सिंपल वाले आपके एडिशन है। अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 आएगी उसमें ज़रूर आपके कैरी वाले एडिशन रहेंगे और वो 5 डिजिट के रहेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो समझाया है उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वापस से बताना चाहती हूँ।
ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, क्योंकि सिलेबस में अभी हम सिर्फ 4 एक्सरसाइज और करेंगे। तो 4.1 तो आज ही समझ लीजिए आप क्लियर हो चुकी है। इसमें सिंपल वाले आपके एडिशन हैं जो आप बुक में ही कर रहे हैं, 14 आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, और 14 के 14 क्वेश्चन आप बुक पर पेंसिल से सॉल्व करके रखें और मुझे होमवर्क में सेंड करेंगे। जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तो आप मुझे होमवर्क में सेंड करेंगे इनको, और 4.2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, उसमें हमारे कैरी वाले एडिशन रहेंगे 5 मिनट के। तो मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज में आपने फिल द ब्लैंक्स जो मैंने आपको समझाए थे वो मैं वापस बताना चाहती हूँ बेटा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो सभी को करने हमें ना आए हों, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपको आए हैं। तो ये मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ रिवीजन के तौर पर, क्योंकि अभी हमने 4.1 कर ली है और ये हमारी क्लियर हो गई है। 4.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अभी सिलेबस कम ही है हमारे पास मैथ्स का, लेकिन आपको अच्छे तरीके से आ जाए इसलिए पिछले वाला आपको वापस जो चीज़ें मुझे लगता है आपको हार्ड लग रही है उनको वापस समझा रही हूँ। तो आप देखेंगे मैं आपको 3.2 बता रही हूँ, 3.2 का बेटा वर्ड प्रॉब्लम तो मैंने आपको समझाया ही है। आपके जो फिलअप्स दिए गए थे, जो फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए थे ना आपको, जो एडिशन दिए गए हैं उसके बीच में बना बना के, वो मुझे लगता है कि आपको शायद कोई प्रॉब्लम आ रही होगी उसमें। 11 नंबर देखिए, 4, 5, फिर आपका बॉक्स है, और 7, 2, 7, 8, 5, फिर बॉक्स है आपका 1, 7, 2। ये है आपका एक क्वेश्चन बेटा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है ना वीडियो से ठीक से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके बता सकते हैं कि मैडम आप इस वाले क्वेश्चन को वापस से नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से रिवाइज करवा दें, क्योंकि हमको नहीं समझ में आया। या आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मैं आपका जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है उस टॉपिक को बेटा वापस से एक बार फिर से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स है देखने से नहीं आता है, जब हम करते हैं ना उस टाइम समझ में आता है। तो अभी आप क्लास में नहीं है, आप वीडियो में देख रहे हैं, तो उस टाइम आप तुरंत से नहीं पूछ सकते हैं ना, लेकिन बाद में पूछ सकते हैं। सभी को ग्रुप में नंबर मालूम ही है, तो ग्रुप से नंबर निकाल करके आप मुझसे ये क्या है पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं, ध्यान से समझना बेटा ये। अगर सभी को समझ में आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, पर जिसको नहीं समझ में आया है वो वापस एक बार देखिए। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ हमको 3, 1, 2, 3 नंबर दे ही रखिए, सबको प्लस कर देंगे हम। 7 में अगर आप 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8, 9, 10, 11, 12। 12 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो 13, 14 ये होता है आपका, मैंने कहा था 1 प्लेस यहाँ आ जाएगा और 10 प्लेस यहाँ चला जाएगा। आगे इसके ऊपर आप देख लीजिए आपके पास क्या है, ये जो 1 आपका आया है तो इसको आप कैसे रखेंगे, आपने यहाँ पर सॉरी मैंने इसके नीचे वाला डिजिट चाहिए इसके बेटर में, यहाँ बॉक्स है आपका, उसके बाद यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ फिर आपका बॉक्स है, और यहाँ आपको 12 दिया गया। आप करेंगे हम इसको सॉल्व, तो देखिए यहाँ हमारे पास 14 आ गया था, इसलिए हमने 14 का 4 और कैरी का 1 यहाँ पर रख दिया बेटा। अब आप देखिए आपके पास है 8 और 7, तो 8 में जब आप 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में हमारे पास कैरी का 1 भी है तो कितना आ जाएगा, 15 और 1 आपके पास कितना आ गया, 16। लेकिन हमको यहाँ 0 चाहिए, 0 चाहिए तो 0 कब आएगी, जब हम 16 से आगे बढ़ेंगे तो 0 आएगी, तो 16 के बाद में हम क्या बोलेंगे, 17, 18, 19 एंड 20। और जब हम 20 पर पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, हम 20 का 0 आता है, कैरी का 2 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उस कंडीशन में, 0। तो हमने जब इस 8 को, इस 7 को और इस कैरी को प्लस किया है तो हमारे पास 16 आया है। अब 16 में हम कितना प्लस करेंगे, हमारे पास 20 आ गया, क्योंकि 0 चाहिए हमको, तो हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। तो इस कंडीशन में यहाँ हमारा आंसर आ गया 0, और हमारी ये क्या बची, कैरी, जो कहाँ चली जाएगी, इसके ऊपर। क्लियर, नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ आपको खाली बॉक्स दिया है, नीचे आपको आंसर ही रखना है, यहाँ पर 5 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 12 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो 13, और 13 में कैरी का 2 प्लस कर देंगे तो 14, 15 का 5, कैरी 1। अब हमको यहाँ 12 आंसर लाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको, इनको प्लस करेंगे, 4 और 2, 6 में 1 प्लस करोगे, 7,
कितना नंबर आपने प्लस किया है एक्स्ट्रा में, 5 जो हमको नहीं दिया तो हमने यहाँ रख दिया 5, और ये हो गया आपका सॉल्व। मतलब जो बॉक्स खाली है उनको हमको फिल करना है। अभी मैंने आपको देखो यहाँ पर 16 आया था, 16 में 4 प्लस करके 20 आया, तो उस 4 को हम यहाँ रख देंगे क्योंकि हमने 4 को क्या है प्लस किया है, इसीलिए। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, आप हमको दिया है 7 और 5, तो 7 प्लस 5 आप करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 12 आता है ना, 12। अब आपको एक बॉक्स खाली दिया है और यहाँ आंसर में आपको कर दिया है 4, तो 12 तो हमारा आ ही गया। तो 4 का मतलब क्या है, हमको ऐसा नंबर चाहिए आगे बढ़ के। तो 12 में अगर सपोज करिए आप 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा, 14, और 14 का 4 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो जो 2 प्लस आपने किया है इस 2 को, इसको आप इस बॉक्स के अंदर रख देंगे, तो 7 और 5 हो गया आपका कितना, 12, 12 में 2 प्लस किया तो हो गया 14, और 4 ही चाहिए था हमको यहाँ पर, तो चाहिए उतना ही नंबर प्लस करना होता है। तो 4 रखा, कैरी फिर आपकी बना दो यहाँ पर। अब आप 7, 8 और इस 1 को प्लस करेंगे, तो 8 में 7 प्लस करेंगे तो कितना होता है, 15। 15 में आपने इस कैरी को प्लस कर दिया तो आ गया 16, लेकिन आपको यहाँ 8 चाहिए, मतलब 16 में आप 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो ये 18 का 8 आ गया और कैरी भी आपकी 1 आ गई, तो आपने 16 में कितना प्लस किया, 2, तो 2 आप यहाँ रख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमको दिया है 7 और 8, 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है, 15 में आपने क्या किया, 1 को प्लस किया तो कितना आ गया, 16, और हमको यहाँ आंसर दिया है 2, तो कितना प्लस करेंगे, 2 आ जाएगा, तो 16 में आप करेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो यहाँ आ गया आपका 22, तो क्या हुआ, ये 2 आपने यहाँ रखा और कैरी का 2 आपका यहाँ आ गया, तो हमने यहाँ पर 6 को प्लस किया। अब है आपका 5 और 2, 7, और 7 में 3 प्लस करोगे 11, और 11 में 2 प्लस करोगे 13, तो 13 हमारा यहाँ आ रखा है। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, जो मुझे लग रहा था कि आपको टफ लग रहे होंगे, शायद फर्स्ट टाइम आए हैं, हो सकता है थर्ड में हो बेटा, पर अब थर्ड क्लास का तो मुझे मालूम नहीं है, अगर थे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको आते भी होंगे, पर अगर थर्ड क्लास में नहीं थे, आपके पास अभी अभी आए हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस आप लगाएं इनकी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैडम आप नेक्स्ट वीडियो में हमें वापस से इस टॉपिक को समझा दीजिए, हमको ठीक से समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको आगे फिर से समझा सकती हूँ कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको टफ लगता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास चलने गया है, कम ही कराना है मुझे, तो मैं आपको पीछे का भी अच्छे से समझा सकती हूँ। फिर आगे क्या है, हमको सिलेबस जल्दी जल्दी बढ़ाना रहेगा ना बेटा, तो उस टाइम पर हमको टाइम भी रहेगा उस समय मुझे। चलिए, बाकी मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया है, रोमन नंबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, तो आई होप मुझे लगता है ये तो सब आपको अच्छे से आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर नेम्स, इनवर्ड्स, ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म सब आपको क्लियर किए। तो ये था बेटा आज का हमारा वीडियो जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको ये फिलअप्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इसके अलावा नहीं आए हैं, अभी भी नहीं समझ में आए हैं, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको और दोबारा से समझाऊंगी, जब तक आपको नहीं आ जाते हैं कोई बात नहीं है। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी 4.2 का, उस टाइम आप क्या करें कि इस वीडियो को देखने के बाद जो जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं वो सारे जो टॉपिक हैं वापस से एक बार आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।